हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिया था, कौन सा? सेकंड वाला। एक बार फिर से उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट क्या था कि अगर आपको चेंज इन मोमेंटम करना है तो फोर्स लगाना हो। ये फर्स्ट था, मोमेंटम में चेंज, यानी कि वेलोसिटी वेलोसिटी चेंज करनी है तो मोमेंटम में चेंज करना पड़ेगा। अभी सेकेंड लॉ में हमने ये पढ़ा कि मोमेंटम के चेंज का रेट वो फोर्स के प्रोपोर्शनल हो जाता है, मतलब, और डायरेक्शन भी वही होती है जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन होती है। तो रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जो बाहर से फोर्स लग रहा है उसके बराबर। जैसे कि मेरे पास फॉर एन एग्जाम्पल ये बॉटल है, तो इसमें रेट ऑफ चेंज रुकी हुई है, इनिशियल मोमेंटम जीरो, मास इनटू वेलोसिटी जीरो। मैं इसको पुश करूंगा तो ये मोशन करना शुरू कर देगी। तो ये अगर मोशन करना हमारी शुरू कर रही है, यहाँ से यहाँ तक को जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसमें फोर्स लगाया ना, तभी तो मोमेंटम में चेंज आया। यही हमें सेकेंड लॉ बताता है, और ये एग्जैक्टली ये भी बताता है कितना आया। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फोर्स अप्लाइड, और जो फोर्स होता है हमारा वो इक्वल टू हो जाता है हमारे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के एसआई यूनिट्स में, अगर हम इसको लिखते हैं। तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन था। किसी का भी रेट निकालना है, टाइम से डिवाइड कर देते हैं। दो हिस्सों में हम इसको पढ़ते हैं। पहला हो गया हमारा, पहला मास कॉन्स्टेंट है तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है हमारा। यहाँ पर ये वाली बात हो गई, एफ बराबर एम ए। और दूसरा केस क्या है, अगर मास कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है, मास बदल रहा है। मास कहाँ पर बदलता है, मैंने कल कई सारे लास्ट लेक्चर में, यानी कि कल कई सारे एग्जांपल दिए थे। तो एक बढ़िया एग्जांपल है हमारा रॉकेट का प्रपल्शन, ठीक है? तो गैस बाहर निकलती है और वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल ये देख लेते हैं कि एक क्रिकेटर जो गेंद पकड़ता है, तो वो उसको पकड़ने के दौरान वो धीरे 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 पीछे क्यों करता है, ठीक है? तो ये वाला हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा बच्चों ध्यान से, अब क्या है कि ये इनिशियल बॉल आ रही है, इसका इनिशियल मोमेंटम हो गया एम यू, ठीक? और हाथ में आकर के रुक जाएगी तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा जीरो, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो रुक जाएगा, हमें पता है। अब दो केस हो सकते हैं, या तो तुम झटके से पकड़ लो खट, और दूसरे केस में धीरे 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 पीछे। तो जितने भी एक्सपीरियंस प्लेयर होंगे, जो भी बढ़िया से प्लेयर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे ले जाते हैं। देख रहे हैं आप, धीरे 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 गेंद को यहाँ से यहाँ तक। अब झटके में नहीं पकड़ा इन्होंने, इन्होंने धीरे 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 टाइम दिया। तो क्या करते हैं ये, वाइल्ड कैचिंग सो दे ट्राई टू इंक्रीज द टाइम, प्लेयर ट्राइज टू इंक्रीज द टाइम, डेल्टा टी को बच्चों वो बढ़ाते हैं, ठीक है? नीचे ले जा करके डेल्टा टी बढ़ाते हैं। अभी होगा क्या डेल्टा टी से, मैं बता रहा हूँ। सेकंड लॉ पढ़ा ना अपन ने, सेकंड लॉ क्या पढ़ा हमने, एफ इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, अगर डेल्टा टी बढ़ गया तो यहाँ पर एफ प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डेल्टा टी हो गया। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, यदि टाइम बढ़ेगा तो तुम्हारा जो फोर्स लग रहा है ना वो कम हो जाएगा, यानी कि तुम्हारे हाथ में चोट, यहाँ पर हाथ में तुम्हें चोट कम लगेगी। अगर मान लो अचानक, देखो फाइनल मोमेंटम तो जीरो होना ही है, कैच हाथ में लेना है, गेंद को तो रोक नहीं है, तो फाइनल मोमेंटम जीरो है। गेंद जिस वेलोसिटी से आ रही है उससे ही आएगी, मास उसका वही रहे, यानी कि इनिशियल मोमेंटम भी फिक्स है, यानी कि चेंज इन मोमेंटम फिक्स है, यानी कि ये डेल्टा पी की वैल्यू फिक्स है। तो जो फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। अगर आप टाइम बढ़ा दोगे तो फोर्स ऑटोमेटिकली घट जाएगा, तो चोट कम लगेगी। तो जब भी कोई अगर, अच्छा जंपर, जैसे जंप करते हैं ना लोग ऊंचाई से, तुमने देखा होगा पार्कोर एक गेम होता है, बस गेम क्या, वो लोग इधर से उधर छत पे कूदते रहते हैं, मस्त लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पार्कोर अगर कोई करने वाले लोगों को देखोगे तो वो क्या है, जमीन पे ऊंचाई से कूदते हैं तो रोल करते हैं दो तीन, जिससे क्या होता है उनका इम्पैक्ट का टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जाता है तो चोट कम लगती है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है? तो ये पहला हो गया कि वाई डू दे डू दिस, हाथ को पीछे क्यों ले जाते हैं प्लेयर वाइल कैचिंग अ बॉल, सो दैट दे कैन इंक्रीज द टाइम एंड दस इम्पैक्ट फोर्स ऑन देयर हैंड विल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द सेकेंड लॉ। नाउ ये एक बात करते हैं हम इनकी, चिंटू बाबा की। ये चिंटू बाबा हैं, ठीक है? इनका नाम है चिंटू, चिंटू। आहा,
चिंटू बाबा ने क्या किया, ये 10 किलोग्राम का बॉक्स था उसको धक्का दिया। चिंटू बाबा हैं, चिंटू बाबा तो वही हैं, और चिंटू बाबा ने 5 किलोग्राम के वो बॉक्स को धक्का दिया, तो चिंटू बाबा किस वाले बॉक्स को ज्यादा दूर तक भेज पाएंगे, 10 किलोग्राम वाले बॉक्स को या 5 किलोग्राम वाले बॉक्स को? सोचो जरा, चिंटू बाबा वही हैं, यानी कि तुम भी चिंटू बाबा हो सकते हो। जो तुम्हारे पास अगर मौका मिलता है तो तुमसे कहा जाता है कि भाई 10 किलोग्राम का एक बॉक्स है उसको धक्का दो, तो तुम 10 किलोग्राम वाले बॉक्स को जब धक्का दोगे तो वो कम दूर तक जाएगा, क्योंकि तुम फोर्स लगा रहे हो, तो तुम फोर्स उतना ही मैक्सिमम जितना लगा सकते हो उतना ही लगा सकते हो, तुमने जितना रोटियां खाई होंगी उतना ही फोर्स लगाओगे। तो जो फोर्स होगा इस वाले केस में और इस वाले केस में सेम है। अभी फॉर्मूला हम लोगों ने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या पढ़ा था, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और मास इंटू एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा, मास तो अगर घट रहा है, देखो फोर्स सेम लगा रहा है, इफ फोर्स जो लगाने वाला है वो कांस्टेंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि मास प्रोपोर्शनल टू 1/ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे चला जाएगा, या फिर उल्टा बोल दो, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/ मास, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू 1/ मास, है ना? यानी कि अगर मास घटेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, और एक्सेलरेशन बढ़ेगा यानी कि वो ज्यादा दूर तक जाएगा, एक्सेलरेशन जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा दूर तक जाएगा, सिंपल सी बात है, उसके पास वेलोसिटी ज्यादा तेज आ जाएगी। यानी कि 10 किलोग्राम वाले बॉक्स में मास ज्यादा है, तो M1 लिख लेते हैं इसको 10 किलोग्राम, और M2 इसको लिख लेते हैं 5 किलोग्राम। तो जिसका मास ज्यादा है वो हम ज्यादा दूर तक नहीं फेंक पाते हैं, क्योंकि फोर्स तो हम मैक्सिमम उतना ही लगा सकते हैं जितना हमने रोटियां खाई हैं, उससे ज्यादा का फोर्स नहीं लगा सकते तुम, ठीक है? तो फोर्स मैक्सिमम वही फिक्स हो गया हमारा, तो फिर मास ज्यादा रहेगा तो हम कम दूरी तक फेंक पाएंगे, यानी कि कम एक्सेलरेशन दे पाएंगे, और मास ज्यादा रहेगा, कम रहेगा तो हम ज्यादा दूरी तक उस, छोटे पत्थर दूर फेंक लेते हैं, बड़े पत्थर कम दूर फेंकते हैं, है ना? ये हो गया हमारा सिंपल थ्योरेटिकल एग्जाम्पल के कौन ज्यादा दूर जाएगा, बढ़िया एग्जाम्पल थे। थ्योरेटिकल के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक आध दो ठैया न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। ये देखियो बालकों, न्यूमेरिकल एग्जाम, पहले ऊपर वाला देखो फिर नीचे वाला देखेंगे। पहले ऊपर वाला, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, क्या लिखा है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 m/s² एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ मास 0.8 किलोग्राम, इन अ बॉडी ऑफ मास 0.8 किलोग्राम, ठीक है? तो गिवन क्या है हमें, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 m/s² एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन दिया है 2 m/s², और मास कितना दिया है, बॉडी का मास 0.8 किलोग्राम। नाउ दे आर आस्किंग अस व्हाट दे आर आस्किंग, फोर्स, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, विच गिव्स अस मास 0.8, फोर्स एक्सेलरेशन टू 8 × 16 यानी कि 1.6, ये हो गया हमारा फोर्स। तो फोर्स की ऐसा यूनिट बालकों क्या होती है, या तो तुम मास की लिखो किलोग्राम और इसकी m/s², तो किलोग्राम m/s², या फिर न्यूटन, तो kg m/s² या फिर न्यूटन, ये फोर्स आ गया हमारा, कितना आ गया फोर्स 1.6 × 1, बस 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 1.6 किलोग्राम, अगर दिख नहीं रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, तो ये जो फोर्स आएगा हमारा ma 0.8 × 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 किलोग्राम m/s² या फिर न्यूटन, ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन होती है फोर्स की, 1.6 मतलब किलोग्राम m/s² और न्यूटन एक ही बात है, और भी यूनिट होती हैं, सीजीएस यूनिट होती हैं, ग्रेविटी वाली यूनिट होती हैं, वो भी हैं। अभी अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, दूसरा क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम फॉर 3 सेकेंड, तो फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम फॉर 3 सेकेंड, इनिशियली एट रेस्ट, तो इनिशियली ये रुकी हुई थी, कैलकुलेट पहला वेलोसिटी अक्वायर्ड बाय द बॉडी, दूसरा चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉडी, ठीक है? अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो पहले गिवन लिखते हैं, गिवन क्या क्या है, गिवन अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो एफ इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 10 न्यूटन, ऐसा यूनिट है ये, है इसको बदलना नहीं, मास दिया हुआ है, अगर ऐसा यूनिट नहीं होता तो बदलना पड़ता 2 किलोग्राम, ये भी ऐसा यूनिट है इसको भी नहीं बदलना,
और टाइम दिया हुआ है हमें, डेल्टा टी या टी कुछ भी लिख लो, 3 सेकेंड इनिशियली एट रेस्ट। अच्छा, इसको देख करके हो सकता आपको लगे कि ये कुछ नहीं दिया, पर ये दिया है इनिशियली एट रेस्ट। अगर जैसे मैं इस समय रेस्ट पर हूँ, मैं रुका हुआ हूँ, मैं खड़ा हूँ इधर पे, अभी मैं रुका हूँ खड़ा हुआ, तो मेरी वेलोसिटी क्या है? जीरो ना। मतलब मैं अगर रुका हुआ हूँ तो मेरी वेलोसिटी जीरो हुई ना, तो इनिशियली एट रेस्ट है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। पता क्या करना है? फाइनल वेलोसिटी गिवन हो गया, फाइंड फाइंड करो क्या, फाइनल वेलोसिटी पता करना है हमें, और चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी यानी कि डेल्टा पी भी पता करना है हमें, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। अब पहले तो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स का ही फॉर्मूला सीखा हमने सेकंड लॉ से, तो फोर्स का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो एज वी नो फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या मिलेगा हमें बच्चों? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलेगा डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बराबर एफ। अरे वाह, यहाँ से तो डेल्टा पी एक चुटकी में आ गया, तो एफ इंटू डेल्टा टी बराबर हो गया डेल्टा पी, ये इधर चला जाएगा ना। हाँ, एफ की वैल्यू 10 न्यूटन, डेल्टा टी दिया है 3 सेकेंड, और डेल्टा पी कितना हो जाएगा इससे करके? 30। 30 क्या न्यूटन सेकेंड या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दोनों ही यूनिट हैं डेल्टा पी की, मतलब मोमेंटम की है बेसिकली ये, जो मोमेंटम की यूनिट होती है वही चेंज इन मोमेंटम की भी यूनिट होती है। यूनिट्स आपको बहुत जरूरी है बच्चों याद करना, यूनिट्स आप लोग भूल नहीं सकते, अगर यूनिट भूल जाओगे तो फिर अपनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यूनिट्स याद करना बहुत जरूरी है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, एक काम तो हो गया, ये तो निकल गया, दूसरी बारी वेलोसिटी। अभी चेंज इन मोमेंटम तो अपन निकाल चुके ना, चेंज इन मोमेंटम से हम फॉर्मूला लगाएं अगर चेंज इन मोमेंटम का, तो कुछ ना कुछ निकलेगा है, चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एज वी नो डेल्टा पी जो है बच्चों वो किसके बराबर आएगा? डेल्टा पी इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम मतलब मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, है ना? ये मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी दिख नहीं रहा हो तो मैं टेढ़ा साइड में हो गया, मास तो कॉमन आ गया वी माइनस यू डेल्टा पी। अभी इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है ना, क्यों? इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है ना, यू जीरो रख दो यहाँ पर, तो डेल्टा पी बराबर कितना बचा? डेल्टा पी कितना था? 30 न्यूटन सेकेंड, 30 बराबर मास इंटू वी। ओके, तो मास कितना दिया है अपने को? मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 2 किलोग्राम, और वी निकालना है तो 2 को नीचे ले गए, थोड़ा सा खिसका लेते हैं इसको इस तरीके से, लाइन बनाते हैं। नाउ क्या करो अपन, जो वेलोसिटी है तो 30 बराबर 30 अपॉन 2, 2 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो 15 क्या वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, सब कुछ ऐसा ही यूनिट में था, तो हमारा वेलोसिटी की भी यूनिट जो आएगी वो बच्चों ऐसा ही यूनिट ही आएगी, डोंट वरी अबाउट दैट। ये दूसरा आंसर आ गया। टेन टेन। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, मैंने कहा था ना ये क्वेश्चन करेंगे हम लोग, करते हैं। तो क्वेश्चन है, देखते हैं दिख रहा है ना? ओके, दिख रहा है, फाइन। अ कार इज मूविंग विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, इट इज स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, मूविंग विद, तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, तो जो जो गिवन है वो हम लिखते चले जाते हैं, तो मैंने पहले लिख रखा है गिवन, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इट स्टॉप्ड इन 2 सेकेंड, तो डेल्टा टी दे रखा है हमको 2 सेकेंड, और स्टॉप्ड तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। अगर कार रुक जाएगी तो वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी ना, रुकने का मतलब क्या है?
बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 1500 न्यूटन. तो फोर्स कितना है? 1500 न्यूटन. थ्रू इट ब्रेक्स, ब्रेक से 1500 न्यूटन फोर्स लगाता है. कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार, डेल्टा पी पता लगाना है, रिटार्डेशन प्रोड्यूस इन कार और मास ऑफ कार. तो रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन, ये हमने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन एक ही बात होती है. तो नेगेटिव में आ जाएगा तो वो रिटार्डेशन होगा, अपने आप आ जाएगा. चलो डायग्राम देखते हैं. डायग्राम बनाया हुआ है मैंने पहले से ही. कार है ये अपने पास, ठीक है ना. कार है, इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी. मास ऑफ कार हमें दिया है क्या? नहीं दिया. मास हम एम मान लेते हैं, वो तो बदलेगा नहीं. फाइनल वेलोसिटी रुक जाएगा तो 0 मीटर पर. कितने सेकंड में रुका? डेल्टा टी दिया है हमको 2 सेकंड में. अगर हम चाहें तो एक्सेलरेशन खटाक से निकाल सकते हैं सबसे पहले तो, है ना. एक्सेलरेशन क्या फॉर्मूला होता है? पहला पॉइंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी. यानी कि डेल्टा वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी कि 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी कि 30 डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है? 2 सेकंड. एक्सेलरेशन आ गया -15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर. माइनस आ गया ना, माइनस साइन यही बताता है कि ये कौन सा है हमारा. माइनस साइन बताता है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, क्या कहते हैं इसके ऊपर लोग. तो ये है हमारा आम, 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 मतलब रिटार्डेशन, मतलब अपोज कर रहा है मोशन का, अपोज कर रहा है ये एक्सेलरेशन. बॉडी की वेलोसिटी को, मतलब स्पीड को घटाएगा. जब भी नेगेटिव में आएगा तो मतलब वेलोसिटी इसको पॉजिटिव लिया और ये नेगेटिव आया यानी कि इस तरफ. तो अपोजिट, जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारा ये जो है नेगेटिव वेलोसिटी पॉजिट ये होता है. तो इसका मतलब होता है कि क्या कहते हैं उसको, वेलोसिटी घटेगी. जब ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तो इसका मतलब है वेलोसिटी घटेगी. नेगेटिव साइन का मतलब है वेलोसिटी उल्टे में. तो निकालना क्या था हमें? निकालना था हमें एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन पहला पार्ट. अच्छा, पहला तो चेंज इन मोमेंटम निकालना था. मास तो दिया नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम. तो हम लगाते हैं सेकंड पार्ट लिख लेते हैं. ये फर्स्ट पार्ट है एक्चुअली, चेंज इन मोमेंटम ये सेकंड था. ये निकालना आसान था. नाउ फोर्स का फॉर्मूला लगाते हैं. फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. ये हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए और मास दिया नहीं है तो हम ऐसे करेंगे. तो फोर्स इंटू डेल्टा टी बराबर चेंज इन मोमेंटम. तो फोर्स कितना दिया? 1500 न्यूटन. और टी टू डेल्टा पी, मास इंटू वेलोसिटी. और ये क्या होता है? 15 दुनी 30, 30 मतलब 3000 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो. डेल्टा पी ये हमारा चेंज इन मोमेंटम हो गया, पॉजिटिव है चेंज. एक मिनट, डेल्टा पी फोर्स इनटू, तो फोर्स अपोजिट लग रहा है ना. तो जिस डायरेक्शन फोर्स, अगर एक्सेलरेशन इधर आया तो फोर्स भी इधर ही लग रहा होगा. अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव का है बच्चों तो ये भी नेगेटिव ही होगा. मैं फिर बताता हूँ ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वहीं फोर्स होता है. तो अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो फोर्स भी हमारा नेगेटिव होगा, और फोर्स नेगेटिव होगा तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम भी नेगेटिव होगा. इसको लिख के रख लो. फिर से बोलता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ. हमें सेकेंड लॉ में कहा गया कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या हो गया? कि जिस तरफ फोर्स उसी तरफ चेंज इन मोमेंटम. ओके. और फिर फॉर्मूला आया एफ बराबर एम ए. तो उसमें भी जिस तरफ फोर्स उसी तरफ एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर हमारा एक्सेलरेशन आया नेगेटिव तो फोर्स भी नेगेटिव, और फोर्स नेगेटिव तो चेंज इन मोमेंटम भी नेगेटिव. इसीलिए -3000 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा. इसको लर्न करना ध्यान से. फिर उसके बाद और क्या पता करना है हमें? मास ऑफ द कार. अभी एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, मास ऑफ द कार भी निकाल लेते हैं. देखो मास वाला फोर्स का कौन सा फॉर्मूला है? फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन. हम ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि वो दोनों मतलब ये मास इंटू मास उसका नहीं बदलेगा. तो एफ अपॉन ए बराबर मास हो जाएगा. तो फोर्स कितना दिया? 1500. ये नेगेटिव का रहेगा है. एक्सेलरेशन कितना दिया? माइनस का 15. ये बराबर एम, तो अपने आप ही प्लस का आ जाएगा. फोर्स नेगेटिव रहेगा. वाई? बिकॉज इट्स अ ब्रेकिंग फोर्स, उल्टी डायरेक्शन लग रहा है तभी तो रुकेगा. 100, तो 100 किलोग्राम बराबर मास आ गया. तो मास आ जाएगा हमारा 100 किलोग्राम. आया समझ बच्चों?
हमेशा कोशिश किया करो आप डायग्राम बना लो। डायग्राम बना लोगे तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। कारवार ऐसे ही बना लो, कुछ जबरदस्ती थोड़ी है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनानी है, कुछ ड्राइंग कंपटीशन थोड़ी है हमारा, लेकिन हमें वो ऐसे बना लेते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है समझने में, है ना। अभी ये ग्राफिकल न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ग्राफ में, ग्राफ क्या आपने मोशन चैप्टर में पढ़े हैं? ग्राफ मोशन में डिटेल में पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके बाद तो फिर मोशन वाले ग्राफ मेनली हमें काम में आते हैं, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी इसमें हमने एक ग्राफ पढ़ा था जिसमें हमने चेंज इन मोमेंटम और वो फोर्स और टाइम के ग्राफ में जो एरिया होता है वो हमें चेंज इन मोमेंटम देता है, याद करना उसे। ये चीजें जो मैं आगे के लेक्चर में पुरानी वाली बताता हूँ ना, अगर आप भूल चुके हो तो उनको लिख लिया करो, है आगे के लेक्चर में पुरानी वाली चीजें जब मैं बताता हूँ तो वो आप लिख लिया करो, वहीं लिख लिया करो। और हमेशा जब भी आप इस तरह के नोट्स, इस तरह की वो कर रहे हो मतलब वीडियो से देख करके, तो आप हमेशा कॉपी और पेन लेके रखा करो, लिखते जाया करो साथ में। नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है वेलोसिटी इधर, टाइम इधर। क्वेश्चन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द बॉल। फिर से वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, तो गिवन है मास ऑफ बॉल 20 ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलना पड़ेगा, तो 20 × 10^-3 ग्राम किलोग्राम। मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सीधे चल रही है, ऑन अ लॉन्ग टेबल मतलब बहुत लंबी टेबल पर सीधे चल रही है। एग्जर्ट डज द टेबल एग्जर्ट, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एग्जर्ट ऑन द फोर्स टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। मतलब ये चल रही है तो टेबल क्या है, फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी। एक छोटा सा डायग्राम बनाने की हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ऐसे करते हैं हम, मान लिया ये टेबल है, लॉन्ग टेबल हो गई ये, ठीक है, ये काफी लॉन्ग टेबल हो गई। इस लॉन्ग टेबल में हम लोग, ये गेंद है, इनिशियल वेलोसिटी देखें जरा ग्राफ से, u 20 m/s दिख रहा है हमें साफ साफ, तो ग्राफ से दिखा हमें ये 20 m/s u से चल रही है, मास है 20 ग्राम। फाइनल वेलोसिटी 0 दिख रही है हमें, ओके तो हमें ये नहीं पता कितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर उसने किया है, क्या है ये हमें पता नहीं है। तो अभी ये गेंद हमारी यहाँ चल रही थी, चलते 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 मान लो यहाँ चल करके रुक गई है, टाइम कितना लगा इसमें, फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 m/s। अच्छा कितना टाइम लगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 10, 10 सेकंड पे आकर के रुक गई, तो डेल्टा टी यहाँ पर लगा हमारा 10 सेकंड, ओके। तो वो कह रहे हैं कितना फोर्स लगा है, तो फोर्स ग्राफ से देख लिया हमने क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो मास कितना दिया हमें, 20 × 10^-3 इंटू वेलोसिटी फाइनल 0 माइनस इनिशियल 20 m/s डिवाइड बाय टाइम कितना दिया है, 10 सेकेंड, 10 से ये 20 कटा 2 बार, 2 × 10^-3 और -40, -20 तो हो गया -40, तो एफ की वैल्यू आ गई यहाँ से -40 × 10^-3 न्यूटन। अब ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, जो फोर्स लग रहा है इस पर वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस साइन ये दिखा रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब ये रोकने की कोशिश कर रहा है। हाँ तो टेबल है भाई साहब, वो हमारे इसको रोकने की ही तो कोशिश कर रहा है, देख लो जरा ध्यान से, टेबल में अगर तुम गेंद को लुढ़का दोगे, मैं जमीन पर ऐसे करके गेंद को लुढ़का दूंगा, तो गेंद क्या है धीरे 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 जा करके रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी गेंद धीरे धीरे जा करके, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, एक तरह का फोर्स होता है फ्रिक्शन। अगर आप किसी भी चीज को घसीटते हो, मैं इसको ऐसे सरफेस पर घसीट रहा हूँ, तो इसके तले और मेरे हाथ के सरफेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है, जो कि हमेशा फिसलने का अपोज करता है, ये कभी भी बॉडी का फिसलाता नहीं है लेकिन फिसलने का अपोज जरूर करता है, फ्रिक्शन फिसलने का अपोज करता है। अगर बहुत ही रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, और बहुत ही रफ सरफेस नहीं है तो फ्रिक्शन कम लगता है, इसको हम फ्रिक्शन को आराम से देखेंगे। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन बिफोर थर्ड लॉ,
एक और बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है बॉडी पी हैज अ मास ऑफ 20 किलोग्राम एंड मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अनदर बॉडी क्यू हैज अ मास ऑफ 5 किलोग्राम एंड मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एंड क्यू। तो अलग अलग कर लेते हैं। फॉर बॉडी पी, जब दो बॉडी हैं कंपेयर करना है तो अलग अलग करो। फॉर बॉडी क्यू, जो भी निकालना है दोनों के लिए अलग अलग निकालना है, उनके बीच में बना दो एक लाइन। ठीक है, इनके बीच में एक लाइन बना दो, फिर सॉल्व करो आराम से। तो इसका मास कितना है? मास ऑफ बॉडी पी 20 किलोग्राम और मास ऑफ बॉडी क्यू 5 किलोग्राम। ये इनिशियल पी 5 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ पी 5 मीटर पर सेकेंड। अनदर क्यू हैज अ मास ऑफ 5 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 20 मीटर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ क्यू 20 मीटर पर सेकेंड। वो कह रहे हैं कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ पी एंड क्यू। तो मोमेंटम फॉर्मूला, मोमेंटम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पी पी इज इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी, 20 × 500 न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड पी पी, और पी क्यू एम क्यू वी क्यू। ये एम क्यू की वैल्यू 5 और वी क्यू की वैल्यू 20 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिख नहीं रहा? 1 मिनट, फॉर बॉडी क्यू 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अरे यार, ये तो दोनों के लिए 100 100 आ गया, तो रेशियो निकालना है मोमेंटम का, पी पी डिवाइड बाय पी क्यू, कितना आएगा? 100 डिवाइड बाय 100 कट गया, रेशियो कितना आया? 1:1, यही अपना आंसर हो गया। समझ गए? तो ये था हमारा कि कितने तरीके से, वैसे तो आने को तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? वही गिनती का, पी बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पहला, एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी पहला, जिसमें पी मोमेंटम है ना, टी टाइम, और दूसरा है एफ बराबर एम ए। ये दो फॉर्मूले हमें बार बार लगाना, पुराने फॉर्मूले जैसे कि एक्सेलरेशन बराबर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये भी जरूरत हो सकता है। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये भी आ सकता है। तो इस तरीके से हमें सेकेंड लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं उनका एरिया, क्राइटेरिया छोटा है लेकिन उनको बढ़ाया जा सकता है, उनमें नई नई चीजें उसी घुमा घुमा करके पूछी जा सकती हैं। तो पूछा तो जा सकता है, तभी तो क्लास 11th में भी है। और मैं तो कह रहा हूँ ये जो मोशन चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने पढ़ रहे हैं, ये बहुत सारी जगह उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो उसकी चिंता नहीं है कि ये आज हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या है, ये हमेशा आपके काम में आने वाली चीज है। तो अभी हमने सारे के सारे क्वेश्चन जो हो सकते हैं, मतलब काफी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन के कर लिए। अब हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए ये वाला लेक्चर खत्म। टाटा बाय बाय।